उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर। नमस्कार, UFT न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर। मुखबिर द्वारा दी गई जानकारी से पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में गठित लूट, चोरी व इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण व पुलिस अधीक्षक अपराध के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी कैंट व प्रभारी निरीक्षक खोराबार की पुलिस टीम को लगाया गया था। पुलिस के खास मुखबिर द्वारा बताया गया था कि बिहार के कुछ बदमाश इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ से आ रहे हैं, जो ओला गाड़ी के ड्राइवर को वाटर पार्क के पास मारकर गाड़ी लूटकर बिहार भाग रहे थे। उसके बाद बदमाशों को रामनगर करजहा के पास से गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि 16 अक्टूबर को वाटर पार्क के पास बदमाशों ने कार चालक को मारा और गाड़ी लूट कर बिहार भाग गए थे। बदमाश गाड़ी का नंबर प्लेट बदल कर बेचने के लिए जा रहे थे, जिस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों में अमन कुमार गिरी, ओमकार पांडे, राजन कुमार चौरसिया और मासूम अली शामिल हैं। 16 अक्टूबर की और 16 अक्टूबर की शाम में उन लोगों के द्वारा एक ओला कैब बुक कराई गई, और ओला कैब बुक कराने के बाद जब उन लोग के द्वारा ये रामगढ़ काल एरिया पड़ता थाना खुला बाल, वहाँ पर चाकू दिखा के जो ड्राइवर था उसको गिरा के लोग भागे, और इस घटना का अनावरण किया गया। संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया था 394 का थाना खुला बाल में। इस प्रकरण के अंदर अमन गिरी, ओंकार पांडे, मासूम अली, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये एक इंटरस्टेट गैंग के रूप में चीज निकल के आई है, और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिस गाड़ी की बुकिंग कराई गई जिस मोबाइल नंबर से, उस गाड़ी को, उस मोबाइल को गोपालगंज जिला बिहार के अंदर छीना गया था। जो घटना का मास्टरमाइंड निकल के आया है वो फैयाज नाम का व्यक्ति, कुछ समय पहले जो मुद्दा भोपाल का रहने वाला है, और ये भी अभी कुछ समय पहले ही एक सप्ताह पूर्व ही जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है कि ये गोपालगंज के अंदर ही गिरफ्तार हुआ है। वहां पर भी गाड़ी लूट का प्रयास हुआ था, और इस गाड़ी को जो वहां से इन्होंने लूटा था, इसको इन्होंने वहां पर गाड़ी का नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन चेंज करके जो टोटल गाड़ी गिरफ्तार है, इन्होंने गाड़ी की खरीद फरोख करके उसको सेव किया था, और इस घटना का नाम दिया गया। इन लोगों को इस खबर में इतना ही। UFT न्यूज 24 जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। कुमार जैन, मुनिलाल ऋषभ चंद जैन, सराफ परिवार की ओर से आप सभी महानगर वासियों, प्रदेश वासियों को दीपावली, धनतेरस एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूँ। उत्तर प्रदेश मतलब UFT, यूपी की खबरों का बादशाह, हर खबर सबसे पहले सबसे तेज, सिर्फ UFT न्यूज 24 पर।